सैमसंग की टेक्नोलॉजी और बाकी मार्केट की टेक्नोलॉजी में कितना 19-20 का फर्क है या बहुत ही ज्यादा फर्क सी है, ये कहना बड़ा हमें अजीब सा होगा, लेकिन वी एंश्योर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो जनरली फॉर क्लाइंट साइड अगर मैं बात करूं तो हम लोग वहां तक उनको हैंड होल्ड करते हैं जहां पे कि उनको सारे इक्विपमेंट्स का, सारे प्रोसेस का एक कॉर्पोरेट गारंटी मिलता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि क्लाइंट को सपोर्ट तो करना होगा ना आपको, इक्विपमेंट्स का तो आप गारंटी वारंटी कर देंगे, बट लेटर प्रोसेस जो आपने दिया, जो टेक्नोलॉजी दी, तो हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डिफाइन करते हैं इन सब चीज़ों को कि वो कहाँ तक उनकी रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये क्लाइंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो उसके पिटफॉल्स तो नहीं आने वाले। तो एज अ KEC वी हैव गॉट सम USPs। वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन मल्टी फीड काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, सो वी जनरली फोकस ऑन मल्टी फीड्स। वी डू नॉट गो विद अ इंडिपेंडेंट रॉ मटेरियल, बिकॉज इंडिपेंडेंट में कभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं इन सप्लाई चेन। तो आपको मल्टीपल चीज़ें होंगी तो कभी भी आपको कहीं ना कहीं किसी पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। यू हैव योर ओन यू नो रॉ मटेरियल एंड उसको आप सप्लाई चेन कर सकते हैं। तो उसमें हमेशा मल्टी फीड में सक्सेस आती है, कि कई बार क्या होता है बिकॉज सप्लाई चेन एट द बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या रहता है कि जितना आप स्क्वीज करके प्राइसिंग करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स अ परचेज थिंग, आपको परचेज करना है रॉ मटेरियल। तो आप मल्टी फीड हमेशा ऑप्शन रहेगा, तो यू हैव मल्टीपल सोर्सेज टुगेदर। तो वो एक हमेशा ही हमारी USP रही कि हमने प्री डाइजेशन पर, प्रोसेस पर बहुत टाइम एंड एनर्जी लगाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट ओनली वी हैव बीन वेरी नोन इन द इंडस्ट्री फॉर मल्टी फीड प्रोजेक्ट्स। तो मल्टी फीड प्रोजेक्ट्स में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड इन दी प्रोसेसेस वी हैव डेवलप्ड इन सच अ वे वेयर एनर्जी बिल्स बड़े कम आते हैं। लोगों के प्लांट्स के अंदर में एनर्जी बिल्स बहुत आते हैं रेंडमली कुछ भी कहीं लगा देने से आपके। इनफैक्ट आई विल टेल यू, अगर हमें किसी गैस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है तो वो कैसे ले जाना है, दैट इज अगेन अ प्रोसेस। एक एल्गोरिथम बनती होगी सर उसके लिए, एक एल्गोरिथम भी बनती है, और आप समझिए कि उसका एक एनर्जी असेसमेंट होता है। तो जनरली जब हम एनर्जी असेसमेंट की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो अगर कोई नौसिखिया या स्टार्टअप होगा तो हो सकता है ये गलती कर दे कि वो एनर्जी असेसमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे, बट एनर्जी असेसमेंट ही आपका रियल प्रॉफिट है। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं आप समझो कि सारे मशीनलाइज प्रोन प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ ड्रिवन करनी होती है मैकेनिकल, तो वहाँ आपको एनर्जी लगनी लगनी है। नाउ दैट इज ऑल बीन प्रोड्यूस्ड, तो वो जो प्रोड्यूस होगा तो उतना आपको बिल पे करना होगा। और आज की डेट में 10-11 रुपए यूनिट्स के रेट से नीचे रेट नहीं आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी असेसमेंट है सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ये असेसमेंट एक्चुअल में होता है, सो दैट आपको जो बिल आना था 18-20 लाख रुपए का महीने का, वो घट के आपको 10 लाख आए, कुछ ऐसा चाहिए आपको, बिकॉज अवेलेबल रिसोर्सेज में से ही आपको इनकम निकालनी है। टाइम टू टाइम कम होता जाए, टाइम से टाइम कम भी होता जाए और एफिशिएंट हो। हाँ, कम तो होना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज एवरी डे यू योर प्लांट इज ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग। हाँ, लेकिन अगर शुरू से ही आपकी प्लानिंग ऐसी है तो एनर्जी बिल कम आ जाएगा अगर आपके वो सब परमोटेशन कॉम्बिनेशन आर इन प्लेस, तो ये बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि ये स्कीज करने के लिए अभी बहुत शॉर्टफॉल है मार्केट में, एंड वी थिंक दैट फेयरली गुड। बाकी सर मैंने अभी इससे पहले 2 से 3 CBG के मार्केट प्लेयर्स के पास गया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देखी मैंने, उसमें सभी पॉइंट्स लिखे हुए थे उसमें, और बाकी जगह पे पॉइंट छुपे हुए थे। तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा अभी। लेकिन CBG मतलब KEC पूरा ओपन बुक है, राइट, जो भी है वो ये है। बिल्कुल।